रिजल्ट आया है वो आपके सामने है। कितनी जल्दी से इस वीडियो को पूरा देखिए। और ज्यादा डस्ट है और देख सकते हो आप कितने। जो हम आज वैक्स यूज करने वाले हैं वो है नेचर प्रोफेशनल की और बहुत। चैनल जय श्री श्याम गाइस। तो आज की वीडियो बहुत ही मजेदार और यूनिक होने वाली है जिसके अंदर मैं आपको घर पे ही एट होम वैक्स बताऊंगी कैसे कर सकते हो बहुत इजीली और रिजनेबल प्राइस के अंदर। जिनकी स्किन भाई बहुत सारी वैक्स के कारण जल जाती है, ब्रेकआउट हो जाती है या बहुत ज़्यादा टैनिंग है, आज हम सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज इसी वीडियो में आपको देंगे। कंटिन्यू वीडियो में बने रहो गाइस। आप देख सकते हो हमारे जो क्लाइंट है उनकी जो हैंड है उन पे कितना ज़्यादा डस्ट है और देख सकते हो आप कितनी टैनिंग हो चुकी है। हेयर ग्रोथ आप चेक कर सकते हो। और आज हम इन पे वैक्स करेंगे। बहुत सारी डस्ट जो स्किन पे डस्ट होती है वो स्किन लगभग ब्रेकआउट होती है विद एडवांस जैसे रिका वैक्स नेचर प्रोफेशनल। तो मैं आज बहुत ही अच्छी वैक्स के साथ आपको इस सारा सोल्यूशन का जो दिखाऊंगी रिजल्ट बिफोर एंड आफ्टर। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे वो दिखाती हूँ मैं। तो गाइस सबसे पहले हम करेंगे हैंड वॉश या आप स्क्रब भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने लगा लिया हाथों पे ये क्लिंजर और इससे हम दोनों हाथों पे करेंगे क्लीन। और उसके बाद आपको दिखाएंगे जितनी भी डस्ट है वो सारे रिमूव हो जाएगी और ग्रोथ बिल्कुल लाइटली हो जाएगी। तो आप सबसे पहले जब भी किसी स्किन ब्रेकआउट होते हैं बहुत सारे कहते हैं कि हमारी स्किन जल गई वो इसी कारण होता है। हम डस्ट और मॉइस्चराइजर के साथ वैक्स को स्टार्ट कर देते हैं जिससे हमारी स्किन ब्रेकआउट हो जाती है। तो सबसे पहले हम डस्ट को क्लीन करेंगे उसके बाद हम वैक्सिंग स्टार्ट करेंगे गाइस। तो चलो अब करा देते हैं इनका हैंड वॉश ऐसे मसाज के साथ। आप घर पे कोई भी साबुन के साथ सबसे पहले अपने हाथों को धो उसके बाद हमने क्या करना है वो मैं बताऊंगी गाइस। कर लिए हैं गाइस हमने हैंड वॉश के जो कि आप देख सकते हो। साथ में हमने इसको पानी के साथ वॉश कर लेना है हैंड टू हैंड मसाज करके जितना भी डस्ट था वो सारा रिमूव हो जाएगा आपका। करना है गाइस टॉवल के साथ इनको बिल्कुल ड्राई उसके बाद ही हमें इन पे काम करना स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ हमने वैक्स कौन सी लिया है बता। जो हम आज वैक्स यूज करने वाले हैं वो है नेचर प्रोफेशनल की और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इसके। डर्मालोजी टेस्टेड प्रोडक्ट है तो आज इसका रिजल्ट आपको दिखाएंगे बिफोर एंड आफ्टर। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं गर्म उसके बाद दिखाते हैं इसको कितने डिग्री पे हमें इसको गर्म करना है। सबसे पहले हमने जैसे कि देखा आपने जो हमने प्रोसेस किया है वॉश किया है किसी भी शैम्पू या किसी भी फेस वॉश के साथ आप इसको कर सकते हो एट ए होम में। जो भी आपके पास स्क्रब हो डी टैन हो आप उसे क्लीन करो। देन हमें इसको टॉवल ड्राई करना है और उसके बाद हम इस पर लगाएंगे पाउडर टैल्कम पाउडर गाइस जिससे और भी हमारा स्किन ड्राई हो जाएगा। बिल्कुल भी ऑयल होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा और ये स्किन को डल जितनी भी डस्ट होती है सारी रिमूव कर देगा ये वैक्स। इसके साथ हम वैक्स की एप्लीकेशन कैसे करेंगे वो मैं बता देती हूँ गाइस। गाइस हमारी वैक्स है वो बिल्कुल गर्म है आप देख सकते हो। जैसे कि देखो गाइस बिल्कुल परफेक्ट है नहीं ज़्यादा हीट है इसके अंदर। और आप चेक कर सकते हो अपनी स्किन के ऊपर ऐसे टेस्ट कर सकते हो जिससे आप पता चल जाएगा कि गर्म है या नहीं। अपने स्किन पे जरूर एक बार गर्म करके देखें उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी गर्म वैक्स गर्म है या नहीं। इसी के साथ अब हम करेंगे काम फ्रंट में। कुल 5 से 4 ही साइड हमें इसकी बनानी है फुल एंड की और बिल्कुल नीट एंड क्लीन और कोई ग्रोथ आपकी छूटेगी नहीं। इस तरह से आपको काम करना है। थोड़ी सी वैक्स ठंडी हो गई तो मैंने गर्म करने की लगा दी है और इस तरह से रिमूव कर देना हल्की सी टेढ़ी दिख करना है। और ये स्किन अगर हम इसको वॉश नहीं कराते तो इसकी इतनी स्किन डैमेज हो सकती थी जो कि आप रिजल्ट में देख भी सकते थे।
क्योंकि बहुत बारीक है स्किन। डस्ट के कारण हमारी जो स्किन होती है वो डैमेज हो जाती है, जो उसके ऊपर जो परत है वो ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाती है। आप देख सकते हो कितना टैन है स्किन के ऊपर, जिससे हमने जो ऊपर का जो मॉइस्चराइजर और टैन था वो तो रिमूव कर दिया ऑलमोस्ट। फ्रंट एरिया कवर गाइस, जो कि हमारा यही पोर्शन रहता है, स्ट्रिप हमने और ले ली है क्योंकि डस्टी स्किन है, नहीं तो हमें एक स्ट्रिप में विद अंडरआर्म्स का काम कर देते हैं। तो जितना भी हो डस्टी स्किन में ज्यादा पट्टी बचाने की कोशिश ना करें, नहीं तो स्किन ब्रेकआउट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा दो पट्टी एक हाथ में आप यूज कर सकते हैं, और पट्टी जो आपकी वैक्स स्ट्रिप है वो आप थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की यूज करें। ठीक, उसमें तो आपको वैक्स लगानी है और उसे विपरीत डायरेक्शन में काम करना आपको स्ट्रिप से। तो जैसे कि मैं आप बता देती हूँ, आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे मैंने डायरेक्शन का आपको बिल्कुल इजीली तरीका बताती हूँ। बहुत सारे कस्टमर हैं या लेडीज़ हैं जिनको डायरेक्शन ही समझ नहीं आती कि हम किस दिशा में वैक्स लगाएं और किस दिशा में स्ट्रिप्स को निकालें गाइस। रिजल्ट आप खुद देख सकते हो क्या डिफरेंस आया हाथों में। इधर और करो, ये देखो गाइस, इधर टैनिंग देखो, ये देखो, बिल्कुल अलग से ही। इसी के साथ करेंगे हम अब उन पे ऑयल के एप्लीकेशन, ताकि जितना भी वैक्स रहता है वो सारा रिमूव हो जाए, क्योंकि ये वाला जो वैक्स है ये आपका पानी के साथ उतरता नहीं है, या तो कहते वार्म वाटर हो या फिर आपके पास आफ्टर ऑयल। तो गाइस देखते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। अब इनके हाथों पे मैंने एप्लीकेशन कर दी है, इसी के साथ इसको देंगे साथ में मसाज और रिलैक्स हो जाएगा हाथ बिल्कुल। आप कर सकते हो, आप किसको ऐसे भी चिक वॉर्म हो चिक कोल्ड वाटर उससे आप कर सकते हो क्लीन। हेलो, अब कराते हैं इनके क्लीन। इसी के साथ, हाँ ऐसे नहीं, इसी के साथ गाइस हमने कर दिया है इनको वॉश अप। अब इस पर कोई भी वैक्स वैसे हमने छोड़ी नहीं, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन काम करा है।
और आप पहले भी जो हाथ देख सकते थे और आफ्टर में भी हैंड देख सकते हो। ये तो अच्छा, हल्का हल्का इसको टैप करेंगे और ये लीजिए उधर से भी। रिजल्ट आया है वो आपके सामने है, कितने अच्छी क्लीनिंग के साथ और बिल्कुल कोई भी हेयर ग्रोथ नहीं जाती है। और रिजल्ट है हमारा ये, तो आप भी ऐसे वैक्स करना चाहते हैं तो जल्द देखिए। और गाइज पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब जिसने भी पूरी वीडियो देख लिया तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब, ऐसी ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। और डेली हमारी ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी। जिस भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है कमेंट करके बताइए, जो कोई चीज़ समझ में नहीं आती या आपके साथ भी कोई ऐसी जो ब्रेकआउट या फिर आपकी वैक्स होती नहीं है समर्स में, या कौन सी वैक्स आप यूज करनी है तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस दे सकती हूँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।